खरगोन और ग्रामीण क्षेत्र में वायरल मरीजों के साथ साथ बुखार और लू लगने के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़वा सिविल अस्पताल में ओपीडी में प्रतिदिन अधिक संख्या हो रही है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर ओपीडी के समय पर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ डॉक्टर तो बिना सूचना के ही अनुपस्थित रहते हैं, जिसके चलते मरीजों को परेशान होना पड़ता है। इसी तरह का नजारा शनिवार को शासकीय अस्पताल में देखने को मिला। विशेषकर दोपहर 3 बजे ओपीडी में मात्र सीबीएमओ डॉक्टर सुनील वर्मा मरीजों का उपचार करने के लिए बैठे हुए थे, तो वहीं महिला चिकित्सक डॉक्टर दीपिका पवार गर्भवती महिलाओं की जांच कर रही थी, जबकि डॉक्टर गोविंद लोडवाल इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। इस बारे में जब सीबीएमओ से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर दिनेश ठाकुर, डॉक्टर कामाक्षी वर्मा, डॉक्टर अजय कटारे तीनों छुट्टी पर हैं। डॉक्टर अनुज कारखोर बिना सूचना दिए अनुपस्थित है। यही स्थिति सुबह से बनी रहती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ सर, आज अकेले आप ड्यूटी कर रहे हो, अधिकतर डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पर नहीं है, क्या है पूरा मामला? नहीं, आज अस्पताल में 3 चिकित्सक वर्तमान में उपलब्ध हैं। मैं हूँ, डॉक्टर गोविंदा लोधवाल इमरजेंसी ड्यूटी देख रहे हैं और डॉक्टर दीपिका पवार मैटरनिटी देख रही हैं। अभी हम तीनों उपस्थित हैं। डॉक्टर यशवंत मालगी साहब आज सुबह थे, किसी कारण से गए हुए हैं। बाकी सर अनुज खारपुर सर भी नहीं है यहाँ पर? अनुज कारपुर सर का कोई एप्लीकेशन नहीं है मेरे पास में, 3 डॉक्टरों की एप्लीकेशन है, डॉक्टर कामाक्षी वर्मा, डॉक्टर अजय कटारा और सर क्या समय है अस्पताल में डॉक्टरों का बैठने का? सुबह 9 से 4 और जिसकी इमरजेंसी ड्यूटी है वो 24 घंटे का है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।